उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट की एक बैठक मुरादाबाद के कटघर रेलवे स्टेशन स्थित हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजीव कुमार पाठक तथा संचालन जिला मंत्री पुष्पेंद्र मिश्रा ने की। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य वरिष्ठ शिक्षक नेता डॉक्टर सुनीत गिरी ने कहा कि संगठन को एकजुट होकर सरकार के आगे अपनी समस्याओं को रखने के लिए जनपद स्तरीय एक धरना प्रदर्शन का आयोजन 25 जुलाई को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरकार ने 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर चयनित साथियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से बहाल किया, उसी प्रकार पूर्व में नियुक्त तटस्थ शिक्षकों को विषय विशेषज्ञों को भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। जिला अध्यक्ष राजीव कुमार पाठक ने कहा कि इतनी भयंकर गर्मी में विद्यालयों के समय में छात्र हित में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह समय 5 दिवसीय सप्ताह के तहत होने के कारण शनिवार का अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। जिला मंत्री पुष्पेश मिश्रा ने कहा कि हमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक अध्यापकों और अध्यापिकाओं को जागृत करने की जरूरत है ताकि वो संगठन की कार्यशैली को ठीक से समझ सके, अपनी मांगे मनवाने के लिए संगठन को मजबूती प्रदान कर सके। बैठक में विभिन्न जनपदों से स्थानांतरित होकर आए शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। साथ ही जिला कोषाध्यक्ष आफताब अहमद जो कि हज तीर्थ यात्रा करके वापस आए हैं उनका भी स्वागत किया गया। अंत में विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य मेजर डॉक्टर चांद मियां खान तथा हाथरस में हुए हादसे में मृतक हुए नागरिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर मधुबाला त्यागी, अरुण कुमार शुक्ला, नोमान जलील, अनिल कुमार चौहान, मयंक त्यागी, फैजल मसरूर, अभिषेक राय, राकेश वर्मा, अंजलि त्यागी, राजीव शर्मा, अफजाल अली, न्यूटन रस्तोगी, क्लेरिस सिंह, हरिशंकर गुलजारी सिंह, पुनीत गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट की जिला बैठक है, साधारण सभा की बैठक है। आज इस बैठक में 22 जून को विश्वकालीन सम्मेलन जो लखनऊ में संपन्न हुआ था उसमें 13 प्रस्ताव पारित हुए। उन्हीं प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए बैठक है और उसी के बाद सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2004 से पूर्व विज्ञापन के वो लोग जिनको कार्यभार किसी भी कारणवश से 2005 में उसके बाद किसी चाहे वो कभी मेडिकल की समस्या रही हो या प्रबंध समिति की ओर से रही हो या किसी भी तरीके से समस्या के बाद देर से कराया गया हो उन सभी को सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है और ये भी विकल्प दिया गया है कि वो 31 अक्टूबर तक ये चयन कर सकें कि उनको NPS चाहिए या OPS चाहिए। OPS देने के लिए सरकार को संगठन बहुत बहुत बधाई देता है। साथ ही अभी जो तदर्थ के शिक्षक साथी थे उनका विज्ञापन भी 1998 और 2000 का था, उन लोगों को उस पुरानी पेंशन में के लाभ में नहीं लाया गया है, जबकि ऐसे सभी शिक्षक साथी जो कि रिटायर हुए हैं तदर्थ के रूप में उनको जो 2016 में विनियमित हुए लेकिन उनके पास किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं थी, वो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से अपनी पेंशन पा रहे हैं। तो संगठन का ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उन्हें लगातार पेंशन दे रहा है तो उन लोगों को भी इसी 2004 से विज्ञापन वाले शासनादेश में संशोधन करके शामिल किया जाए। ऐसे ही विषय विशेषज्ञ जिनको 2004 के विज्ञापन के बाद रखा गया था उन लोगों के लिए मांग है क्योंकि उनको भी कोर्ट ने 2003 में चंद्रशेखर के द्वारा एक जो रिट दायर की गई थी उसमें भी इन लोगों का आमेलन 2003 में करने का बात कही गई थी लेकिन किसी कारणवश वो 2007 में आमेलित हुए, इसीलिए उनको भी उसी विज्ञापन के आधार पर पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, ये मेन मुद्दे हैं। चिकित्सा सुविधा दी जाए ये भी है क्योंकि आज की इस जिंदगी में कितनी मेडिकल कितना गंभीर रूप ले चुका है, किस तरीके से कितना महंगा हो चुका है कि आम आदमी के लिए मेडिकल अपने लिए चिकित्सा पूरी कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, उन लोगों को भी चिकित्सा प्रदेश के नेतृत्व द्वारा निर्णय लिया गया है कि 25 इसको जुलाई को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। प्रदेश की मांगे हैं, स्थानीय मांगों को लेकर धरना दिया जाएगा और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। आज की इस बैठक में हमारे कोषाध्यक्ष श्री आफ्ताब आलम जी जो कि प्रवक्ता है हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज, ये अपनी हज यात्रा पूरी करके आए हैं तो संगठन के द्वारा उनको भी सम्मानित किया गया।